बागाराडी जिला दुर्ग तहसील पाटन थाना उदय का निवासी हूँ। 21/12/2018 को मैंने अपनी पुत्री दृष्टि को 2.25 महीने का टीका पेंटा टू लगवाया था, जिसको ANM अंजू कुमारी अंजू निशा वर्मा जी ने हड़बड़ी में गलत तरीके से लगाया और वो जगह पूरा सूजन हो गया उसका और उसमें मवाद भर गया था। मैंने इसकी जानकारी उनको कई बार दी लेकिन उनका कोई भी रिस्पांस मेरी तरफ नहीं था और ना उन्होंने मेरे को कुछ बताया कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। उसके बाद फिर मैंने चंदूलाल अस्पताल में अपनी बच्ची को दिखाया और उसके पैर में जहाँ पे सूजन हुआ था वहाँ पे चीरा लगा के मवाद बाहर निकाले हैं। इसका रिपोर्ट मैंने उतई थाना में 27/1/2019 में किया था, जिसका अभी तक थाने से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है ना कोई कार्यवाही हुई है। उसके बाद फिर मैंने जिला चिकित्सा अधिकारी के पास भी इसकी शिकायत की है, जिस पर अभी कोई खास काम नहीं किया गया है। तो मैं यही चाहूँगा कि ANM अंजू निशा वर्मा के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। अंजू निशा वर्मा अभी भी यहाँ पर पदस्थ हैं? हाँ, यहाँ पर पदस्थ हैं। उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, वो रोज़ आती हैं हॉस्पिटल, काम करती हैं। मैं अपनी बच्ची को ड्रेसिंग के लिए लेके जाता हूँ हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन कभी भी उन्होंने मेरी बच्ची के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और ना ही कभी आके पूछे कि आपकी बच्ची कैसी है कैसी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं उनके प्रति क्या हुआ? मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं को जो काम कर रहे हैं, बच्चों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, उनको तो निकाल देना चाहिए काम से। बाकी विभागीय जो भी कार्य हो वो हो, बट इनको तो, ये आज मेरी बच्ची के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, और मैं नहीं चाहता कि जो तकलीफ मैं झेला हूँ वो दूसरे पालक और दूसरे बच्चे भी झेलें। 5 महीने की बच्ची को इतनी बड़ी तकलीफ बहुत मायने रखती है।